दोस्तों, मानव इतिहास रक्त के युद्ध से भरा पड़ा है। प्राचीन काल से लेकर मध्यकालीन इतिहास में तलवारों का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता था। बड़े से बड़ा युद्ध तलवारों के बल पर ही जीते जाते थे। जिस योद्धा की तलवार में तेज धार के साथ फौलाद जैसी मजबूती होती थी, उसी को जीत मिलती थी। इस दुनिया में दोस्तों, हर महान योद्धा के पास उनके जीतने का सबसे बेशकीमती राज उनकी चमचमाती हुई तलवार हुआ करती थी, जो हमेशा उनको विजय की ओर ले जाता था। ऐसे बहुत सारे योद्धाओं के कुछ महान तलवार युद्ध के मैदान में पूरी शान से लहराई और दुश्मनों को खंड खंड करके इतिहास के पन्नों में सदा सदा के लिए अमर हो गई। तो दोस्तों, देर किस बात की, आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही तलवारों के विषय में जानेंगे जिसने बड़े बड़े सूरमा को एक ही बार में परलोक भेज दिया और युद्ध से भरे मैदान में अपना किला ठोंक दिया। कहो, युद्ध के मैदान में अपनी धाक जमा ली। तो दोस्तों, चलिए कुछ ऐसे ही महान योद्धाओं के महान तलवार के बारे में जानते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। आज से करीबन 1200 साल पहले भारत अस्त्र शस्त्र का बहुत बड़ा निर्माता हुआ करता था। यहाँ पर तरह तरह के हथियार बनाए जाते थे। इन हथियारों को भारत दुनिया के कई देशों में बेचा करता था। इन देशों में भारतीय हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार अरब देश था। भारतीय व्यापारी अरबियों से हथियारों के बदले घोड़े लिया करते थे और घोड़ों को राज परिवार को बेच दिया करते थे। वहीं अरबी व्यापारी भारतीय हथियारों को यूरोप में महंगे दामों में बेचा करते थे। भारतीय तलवारों की यूरोप में काफी डिमांड होती थी। एक ऐसे ही भारतीय तलवार यूरोप के म्यूजियम में रखी है, जो दुनिया की सबसे पावरफुल तलवार मानी जाती है। इस तलवार को डमास्कस द ग्रेट सॉर्ड के नाम से जाना जाता है। वहीं अरब में इस तलवार को अल शरीफ अल इदरीसी कहा जाता है। इसी तलवार से सीरिया के सुल्तान सलाहुद्दीन ने युद्ध के दौरान कहर बरसा दिया था। इस तलवार ने घोड़े सहित सैनिकों को तहस नहस कर दिया था। इस तलवार की बनावट पूर्ण रूप से भारतीय शस्त्र कला पर आधारित थी, जो भारत के बाजार से ही अरब देश पहुंची थी। आइए आज हम भारतीय महान योद्धाओं के महान तलवार से आपको रूबरू कराते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार। शिवाजी के पास तीन अनूठी तलवारें थी, जिसमें भवानी तलवार, जगदम्बा तलवार और तुलजा तलवार थी। मान्यता है कि भवानी तलवार शिवाजी महाराज को खुद राजेश्वरी माँ भवानी ने दी थी। इसके बाद तुलजा तलवार को शिवाजी के पिता शाहजी महाराज ने दिया था। और वहीं जगदम्बा तलवार के पीछे का राज कुछ यूं है कि शिवाजी महाराज 7 मार्च 1659 को कोंकण दौरे पर थे, तभी महाराज के योद्धा अंबाजी सावंत ने पुश्तैनी जहाज पर धावा बोल दिया, जहां उन्होंने पुर्तगाल सेनानी के सेनापति लियो फर्नांडिस की एक बहुत खूबसूरत तलवार पाई। इसके ठीक बाद 16 मार्च को महाराज महाशिवरात्रि पर शिवाजी महाराज महादेव के दरबार में पधारे। ये अंबाजी के बेटे कृष्णा जी के शिवाजी महाराज को ये तलवार द्वारा भेंट दी गई थी। ऐसी अद्भुत तलवार थी, जिसे देखकर महाराज ने तुरंत आदेश जारी किया कि मेरी सेना के सभी सैनिकों को ऐसी ही तलवार दी जाए। जिसके बाद स्पेन के राजा ने ऐसी ही तलवार बनाने के लिए महाराज को संदेश भिजवाया। उसी के साथ स्पेन के टोरंटो शहर से एक तलवार का जखीरा महाराज की सेवा में पेश किया गया। उन्हीं तलवारों के साथ स्पेन के राजा ने शिवाजी महाराज के लिए रत्नों से जड़ी एक विशेष तलवार भेजी। इस तलवार को शिवाजी महाराज ने जगदम्बा का नाम दिया। महाराज की जगदम्बा तलवार अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि दो तलवारें, भवानी तलवार और तुलजा तलवार, कई सालों से लापता है। भारत सरकार ने कई बार ब्रिटेन से महाराज की तलवार भारत को वापस लौटाने के लिए कहा, लेकिन अभी तक ब्रिटेन तलवार देने को राजी नहीं है। महाराणा प्रताप की तलवार। हमारे इतिहास के अमर योद्धा महाराणा प्रताप के सामने पूरी दुनिया नतमस्तक थी। जब भी हुकुम युद्ध पर निकलते तो अपने पास दो तलवारें रखा करते थे। कभी उनके सामने कोई शत्रु बिना हथियार के होता तो हुकुम पहले उसे अपनी दूसरी तलवार दिया करते थे। वो कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं किया करते थे। महाराणा प्रताप के पास बहुत से हथियार थे और अनेकों तरह की तलवारें थी, पर मेवाड़ के राणाओं की खानदानी तलवार, जिसे राणा सांगा से लेकर महाराणा प्रताप तक ने युद्ध लड़ा, वो अद्भुत तलवार थी। उसका वजन 25 से 45 किलोग्राम हुआ करता था। इस तलवार को उदयपुर के म्यूजियम में रखा गया।
दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, महाराणा प्रताप का वजन 110 किलो था और वो 208 किलो के कवच वाले तथा तलवार लेकर युद्ध के मैदान में निकलते थे। इतना भारी वजन होने के बावजूद चेतक हवा से बातें करते हुए दौड़ता था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार। इतिहास में राय पिथौरा और आखिरी हिंदू सम्राट के नाम से मशहूर महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान ने अपने इतिहास में बहुत से युद्ध लड़े। कहा जाता है कि सम्राट के पास 900 साल पुरानी चौहानी तलवार थी। ये चौहान वंश की खानदानी तलवार हुआ करती थी। जब भी कोई नए राजा गद्दी को संभालते तो उनको राज्याभिषेक के साथ ये तलवार दी जाती। इस तलवार में 4 इंच की पक्की सोने की मुठ हुआ करती थी। ये तलवार इतिहास के महान युद्ध तराइन के युद्ध के समय सम्राट अशोक के पास ही थी। उस युद्ध के बाद से इस तलवार का जिक्र कहीं नहीं मिला, पर अभी कुछ समय पहले ही राव माधो सिंह ट्रस्ट ने अपने पास रखे हथियार की एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें उन्होंने एक अद्भुत तलवार जनता के सामने पेश की। ये हूबहू सम्राट की चौहानी तलवार जैसी सोने की मुठ वाली तलवार थी। 38 इंच की इस तलवार पर लिखा था, सरकार श्री पृथ्वीराज बहादुर सावंत 1282। पर अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये तलवार सच में सम्राट की चौहानी तलवार है या उनकी तलवार के जैसी बनाई हुई कोई अन्य तलवार। महाराजा रणजीत सिंह की तलवार। दोस्तों, शेरे पंजाब के नाम से मशहूर महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपना साम्राज्य खड़ा करने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने अपने काल में अनेकों युद्ध लड़े, जिसके बाद उनकी धाक कायम होती चली गई और कहा जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह की तलवार को अंग्रेज इंग्लैंड ले गए। अभी हाल ही में महाराजा रणजीत सिंह की तलवार को एक भारतीय दल ने ब्रिटेन में खोज निकाला। दरअसल महाराजा की तलवार भारत में राज करने वाले अंग्रेजों की सेना के सैनिक के वंशज के पास मिली। सैनिक के उस वंशज ने बताया कि उसके दादा अंग्रेजों की सेना के सिपाही थे और वो अपने साथ हिंदुस्तान से ये तलवार लेकर आए थे। तलवार की धार पर महाराजा का एक चित्र भी बना हुआ है, जिसके नीचे गुरुमुखी में सत्र पंजाब लिखा हुआ है। तलवार की मुठ पर गुरुमुखी लिपि में महाराजा रणजीत सिंह लाहौर लिखा हुआ है। तलवार के तथा कथित मालिक ने बताया कि हमने सोचा कि ये इस्लामी तलवार है, किसी मुगल राज की होगी। तब भारत के कई लोगों ने गुरुमुखी लिपि को देखकर बताया कि ये कोई आम तलवार नहीं, बल्कि पंजाब के महान योद्धा महाराजा रणजीत सिंह की तलवार है। 18 मार्च को इंग्लैंड में तलवार की नीलामी हुई। 33 इंच लंबी तलवार को भारतीय मूल के डीलर ने बहुत बड़ी रकम देकर नीलामी में खरीद लिया। दोस्तों, हमारे देश के बहुत से योद्धाओं के बहुत से हथियार इंग्लैंड में पड़े हैं। आए दिन अंग्रेजी इसे नीलाम करते रहते हैं। इससे अंग्रेज की सरकार भारी रकम कमाती है। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान की तलवार की नीलामी की, जिसमें विजय माल्या ने टीपू सुल्तान की तलवार 21 करोड़ रुपए में खरीदा। तलवार की मुठ पर बाघ बना हुआ था। इसी नीलामी में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के हथियारों को 56 करोड़ रुपए में बेचा। टीपू सुल्तान के हथियार पर बाघ की आकृति बनी हुई थी। तो दोस्तों, आप कुछ महान योद्धाओं के महान तलवार से रूबरू हुए। अब हम आपको दुनिया की सबसे खतरनाक तलवार के बारे में बताएंगे। नंबर 1, शोटल। इस तलवार को सबसे प्राचीन और सबसे मजबूत तलवार माना गया है। इस तलवार का निर्माण इथोपिया में हुआ था। इस तलवार की लंबाई 40 इंच है और इसका आकार ऐसा बनाया गया है कि इसे किसी भी शरीर के आर पार और ढाल को बहुत आसानी से छेदा जा सकता है। ये तलवार 18वीं सदी की सबसे खतरनाक हथियार मानी जाती थी और इसे छिपाकर भी रखा जाता था, क्योंकि ये तलवार बहुत घातक और खतरनाक थी। नंबर 2, खोपेश। इस तलवार का निर्माण 1300 ईसा पूर्व मिस्र में किया गया था। इस तलवार को मुख्य रूप से युद्ध में दुश्मन के खिलाफ प्रयोग किया जाता था। इस तलवार का आकार एक बकरी के पैर जैसा है, इसीलिए इसका नाम खोपेश रखा गया। शुरुआती दिनों में ये तलवार कांसे की धातु से बनाई जाती थी, लेकिन बाद में इसे लोहे से बनाया जाने लगा। ये तलवार भी काफी खतरनाक थी। नंबर 3, खांडा। इस दोधारी तलवार का निर्माण सबसे पहले भारत में हुआ था। इस तलवार का उपयोग राजदूत सेनाओं द्वारा सबसे पहले युद्ध में किया गया।
और ये तलवार अपने दोनों धारों से दोनों तरफ काटने की क्षमता रखती थी। और साथ में ये तलवार भारतीय क्षत्रिय द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थी। इस तलवार का उपयोग मुगल सेना द्वारा भी किया गया था। ये काफी खतरनाक तलवार थी। नंबर 4, सेवन ब्रांच तलवार। सेवन ब्रांच वाली ये तलवार बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इस तलवार से आप अपने दुश्मन को चंद सेकंड में मौत की घाट उतार सकते हैं। तलवार का निर्माण जापान में हुआ था और इसे स्पात धातु से बनाया गया था, लेकिन इस तलवार का ज्यादातर उपयोग युद्ध के बजाय समारोह में किया जाने लगा। ये भी काफी खतरनाक तलवार मानी जाती है। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको इतिहास की सबसे खतरनाक तलवारें, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार, सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार, महाराजा रणजीत सिंह की तलवार के बारे में बताने का प्रयास किया और अन्य खतरनाक तलवार के बारे में ये जानकारी आपको दी हमने इस वीडियो में। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मीट यू इन अनदर वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।